नमस्ते। तो आज हम एक कॉर्ड रीडिंग करने वाले हैं, तो फटाफट आपको लाइक करना है, नोट्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। इस वक्त उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो, एक कार्ड हमें यहाँ पर मिल चुका है। और सबसे पहला ही कार्ड है किंग ऑफ कार्ड। इतना कुछ आपके लिए फील कर रहे हैं और वही बातें आपसे छुपा रहे हैं। जो भी है इनके दिल में, इस इंसान ने आपको बोलना चाहिए, लेकिन अब पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि वो इंसान इतना प्यार करते हैं आपसे, इतने चाहते हैं, इतना पसंद करते हैं, और वही बात आपसे हाइड कर रहे हैं। किसी किसी के लिए इंसान को एक सही वक्त का इंतज़ार है, कि जो भी है दिल में बोलना तो है, लेकिन सही वक्त पर बोलना है। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी हो सकते हैं आपके पर्सन। और देखते हैं वक्त उनके दिल में क्या चल रहा है। नर्स प्लीज गाइड कर। ओके, थ्री ऑफ कप्स। कोई इवेंट में या बहुत जल्द पार्टी में आप दोनों की मुलाकात हो सकती है। यहाँ पर विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। नाइन ऑफ कप्स क्या है? इच्छा पूर्ति का ही कार्ड है। जो आपके दिल में है वो आपकी इच्छा पूरी होगी। किसी किसी के लिए हो सकता है कि वो बहुत सोशल हो रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या वो चाहते हैं कि आप दोनों मिलजुल कर रहे हैं। आपके साथ जो पास्ट में जो भी टाइम स्पेंड किया है, यादें इस इंसान को याद आ रही है। हो सकता है पहले ऐसा हुआ है कि आपको ऐसा लगा कि ये इंसान आपको वक्त नहीं दे रहा है, सिर्फ अपने फ्रेंड्स को वक्त दे रहा है या दे रही है। तो ऐसा अगर रहा है तो इस इंसान को इस बात का रिग्रेट है कि उसने आपको भी वक्त देना चाहिए था। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आज जो आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, या आप दोनों के बीच में कोई मनमुटाव है, उसकी वजह यह हो सकती है कि उस इंसान ने आपको टाइम नहीं दिया। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी बहुत स्ट्रांग हो सकता है आपके लिए। किसी फ्रेंड के थ्रू आपको कोई मैसेज करे, उनके दिल की जो भी फीलिंग्स है वो आपको बोले, या आप उनके लिए क्या फील करे हो वो किसी दोस्त को पूछे, आप उनके लिए आजकल क्या फील करते हो, आप क्या चाहते हो। ठीक है, ओके। इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर आपसे बात करनी है तो चाहे किसी का सहारा लेना पड़े, चाहे किसी की हेल्प लेनी पड़े, लेकिन वो आपसे बात करना चाहते हैं। कुछ भी हो जाए वो आपसे बात तो करके रहेंगे। किसी किसी के लिए सच में इंसान बहुत बिजी है अपने काम में, और शायद आप गुस्सा कर रहे हो, आप नाराज़ हो रहे हो कि वो आपको टाइम नहीं देते हैं, लेकिन सच में इंसान बहुत बिजी हो सकते हैं। आप उनकी मुश्किल को नहीं समझ रहे हो, आप उनकी सिचुएशन को नहीं समझ रहे हो। तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि एक्शन तो लेना पड़ेगा। ठीक है, और इस वक्त उनके दिल का हाल क्या है। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत बिजी हो, ये इंसान इस बात से भी परेशान हो सकते हैं। बॉटम में यहाँ पर द एम्परर की एनर्जी है। चाहे आप इस बात को माने चाहे ना माने, इस इंसान का ईगो बहुत ज़्यादा हो सकता है। बहुत कुछ फील करते हैं और उसी फीलिंग्स को हाइड करते हैं, दिमाग बहुत चलाते हैं, इमोशनल भी उतने ही ज़्यादा है। इस इंसान को अटेंशन चाहिए, कि अगर आप इस इंसान को अटेंशन देते हो तो इंसान बहुत हैप्पी फील करते हैं, और जब आप इस इंसान को अटेंशन नहीं देते हो तो ये चिढ़ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। अटेंशन सीकर भी हो सकते हैं किसी किसी के लिए। डेफिनेटली गुस्सा है, जल्दबाजी भी है। अब इस वक्त इस इंसान का दिल कहता है कि तुरंत दौड़ कर भाग कर आपके पास आए हैं। दिल और दिमाग में जैसे द्वंद्व चल रहा है। एक तरफ दिल कहता है कि भाग कर आए आपके पास, पुरानी यादों में बहुत ज़्यादा खो रहे हैं। किसी किसी का ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल नो कांटेक्ट में हो आप दोनों, पिछले 6 महीने से कोई बातचीत नहीं है। तो अगर नो कांटेक्ट में भी है तो कांटेक्ट में आ जाओगे। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि ये इंसान आपको भूल नहीं पा रहे हैं। ये इंसान कितना भी ईगो दिखाए, ईगो अपनी जगह और आपके लिए जो प्यार है इनके दिल में वो अपनी जगह। तो ये इंसान चाहे कितना भी ईगोस्टिक हो, चाहे जो भी है, इस इंसान के दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स है वो इस इंसान को आपकी तरफ लेकर आएगी। पुरानी यादें याद कर करके इमोशनल हो रहे हैं। एक तरफ बहुत ईगो है, एक तरफ बहुत ज़्यादा इमोशंस है। शायद कोई बात ऐसे इस इंसान को गुस्सा भी दिला रही है, और आपकी यादें बहुत इमोशनल इस इंसान को कर रही हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी में सब कुछ है सिवाय आपके। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि चाहे ज़िंदगी में सब कुछ हो, लेकिन अगर आप नहीं हो उनके साथ तो उनकी ज़िंदगी में कंप्लीशन नहीं है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो आपसे प्यार करते हैं, तो आप भी तो करते हो ना उनसे, तो आप क्यों नहीं बात कर रहे हो, आप खुद क्यों नहीं कॉल कर रहे हो, ऐसा उनको लग रहा है। एम्परर, ओके, दोनों की इस वक्त सेम फीलिंग क्या है?
आपको ऐसा लगता है कि इंसान आपकी कोई बात नहीं सुनता है, उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी कोई बात नहीं सुनते हो, और दोनों को भी कहीं ना कहीं ये पता है कि आज आप दोनों के बीच में जो भी झगड़े हुए हैं वो किसी और की वजह से हुए हैं, कोई और लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इस रिश्ते में ऑफ सोर्ट्स, और दोनों के भी दिल में एक दूसरे के लिए बेहद प्यार है। दोनों भी इतना ज़्यादा सोच रहे हो एक दूसरे के बारे में, जाने अनजाने में दोनों भी एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते, इस इंसान ने आपकी बहुत केयर की है, और आप दोनों के दिल में जो फीलिंग्स एक दूसरे के लिए सच्ची ट्रू फीलिंग्स जो है कि आप दोनों भी एक दूसरे का भला चाहते हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि आपको लगता है कि जब भी आप इस इंसान से बात करने की कोशिश करोगे तो इंसान सिर्फ झगड़ा ही करेगा। इस इंसान को भी ऐसा लग रहा है कि जब भी वो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे तो आप उनसे झगड़ा करोगे। तो इस इंसान को भी अपनी इंट्यूशन की सुननी है और आपको भी अपने इंट्यूशन की सुननी है। जब तक आप बोलोगे नहीं कुछ बातें ठीक नहीं हो सकती यहाँ पर, और बिल्कुल बातचीत तो नहीं हो रही है। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी है कि पिछले 6 महीने से कोई बातचीत ही नहीं हो रही है, या अगर हो भी रही तो फिर झगड़े हो रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। आप दोनों के बीच में जैसे कॉम्पिटिशन चल रही है कि कौन पहले हार मानता है। अब हम जानते हैं कैंडल से। आई होप आपने लाइक कर दिया होगा, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट आपको लाइक करना है। देखते हैं क्या एनर्जी मिलती है। तो सबसे पहली ही बात यहाँ पर यह है, पता नहीं कितनों के साथ ये रेजोनेट होगा, कि बात छोटी सी थी, राई का पहाड़ बना दिया गया, अब वो कुछ भी हो सकता है। किसी किसी जो ये इतने ज़्यादा झगड़े हुए ना आप दोनों के बीच में, वो बात छोटी सी थी, तो छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर इतना ज़्यादा बड़ा बना दिया कि आप सोच भी नहीं सकते। किसी किसी का ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगता रहा कि इंसान सेल्फिश है, ये सिर्फ अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहा है, ये इंसान आपको ध्यान नहीं देता है, ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान आपको टाइम नहीं देते हैं, ये इंसान सिर्फ अपने करियर के ऊपर फोकस करते हैं, ऐसे कुछ आपकी फीलिंग्स हो सकती हैं। अगर ऐसा कुछ है आपके मन में तो आपके पर्सन आपको समझाना चाहते हैं ऐसी क्या प्रॉब्लम थी, क्या दिक्कत थी, और अगर वो अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो उनका फोकस करना कितना ज़रूरी है, वो प्यार से समझाएंगे आपको। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे हैं कि इस इंसान को कभी कभी ऐसा लगता है कि आप उनकी बात सुनोगे ही नहीं, जब भी वो आपको समझाने के लिए जाएंगे आप तो झगड़ा ही कर दोगे, इसलिए इंसान जो हो रहा है उसको होने दे रहा है, गोइंग विद द फ्लो जाने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि आप अगर बहुत ज़िद्दी हो तो आपको ज़रा इस इंसान के बारे में भी सोचना है, कम से कम आपको इस इंसान की बात सुननी है कि इंसान क्या कहना चाहता है या क्या कहना चाहती है। जब आप सामने वाले की बात सुनते हो ना, तब जाके आपको पता चलता है कि आप जितना गलत उस इंसान को समझ रहे हो वो इंसान उतना गलत है नहीं, कि इंसान के मन में कुछ कड़वाहट नहीं होती है, लेकिन गलत फहमियाँ इतनी ज़्यादा होती है तो वो किसी छोटी सी भी बात को, जैसे कि राई का पहाड़ जो बना दिया गया है, तो ऐसा हो सकता है। सामने वाले की बात को भी सुनना चाहिए, सिर्फ अकेले अकेले डिसीजन लेकर कि हाँ ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसी ही है, ऐसे डिसाइड नहीं कर सकता कोई भी। जब तक आप सामने वाले की बात नहीं सुनोगे आपको समझ में नहीं आएगा कि वो इंसान क्या कहना चाहता है, उसके दिल में क्या है, उसके इंटेंशन क्या है, और उसने कुछ बोला है तो वो किस इरादे से बोला है, क्यों बोला है। किसी कही सुनी में आ रहे हो कि इसने ऐसा बोला उसने वैसा बोला, तो सबसे पहले आपको बात को क्लियर करना ज़रूरी है। आप खुद ही डिसीजन लेकर इस इंसान को इग्नोर कर रहे हो तो ये गलत है, ठीक है। दूसरों की बातों में आकर आप इस इंसान को इग्नोर नहीं कर सकते, आपने इस इंसान की बात सुनना बहुत ज़रूरी है कि ये इंसान अपने पक्ष में क्या कहना चाहते हैं और उनकी बात कहाँ तक सही है। जब आप इस इंसान के दिल की बातों को सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस इंसान की कोई गलती नहीं है, जो भी हुआ या तो किसी और की वजह से हुआ या तो हालात ही कुछ ऐसे थे। ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए हालात इतने बिगड़ गए थे इस रिश्ते में, आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया या इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया। अगर आपने किया है तो ये इंसान इंतज़ार करे कि आप उनको अनब्लॉक करें, अगर इस इंसान ने किया है तो आप इंतज़ार करे हो कि ये इंसान आपको अनब्लॉक करे। अगर ऐसा कुछ है तो बहुत जल्द आप अनब्लॉक हो सकते हैं। पास्ट में आप दोनों में जो भी झगड़े हुए हैं, जो भी टेंशन हुई, आपके पर्सन खुद भी नहीं चाहते कि आप दोनों बस उन्हीं बातों में अटकते रह जाए। ये इंसान खुद चाहते कि एक न्यू बिगिनिंग हो, बातें क्लियर हो जाए। इस इंसान को ऐसा लगता है ना आप उनकी बात नहीं सुनोगे, इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो कितना भी समझाने की कोशिश करे आप नहीं समझने वाले, तभी तो वो किसी दोस्तों के थ्रू आपको समझाना चाहते हैं, वो किसी की हेल्प लेना चाहते हैं। आपको भी इस इंसान के ऊपर इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि ये इंसान अगर आपसे बात करना चाहता है
तो कोई ना कोई तो इस इंसान के दिल में भी आपकी जगह है, तभी तो वो वापस आ रहे, तभी तो आपसे बात करना चाहते इतने ज़्यादा झगड़े होने के बाद। तो आपको भी इस इंसान को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और अगर ये वाइस वर्सा है कि ये इंसान बात नहीं कर रहा आपसे, तो आपको थोड़ा सब्र रखना है, सब कुछ ठीक होगा। अगर किसी ने झूठ बोलकर इस इंसान को आपसे दूर किया है, एक एक बात जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हुए, इंसान खुलकर बोलेंगे आपके साथ, बस थोड़ा सा सब्र रखना है आपको। किसी किसी लिए हो सकता है बहुत एनजाइटी है आपके पर्सन, कोई ऐसे भी टेंशन हो सकते हैं इस इंसान को करियर को लेकर, कि वो मन ही मन जैसे किसी बात को बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, किसी से वो बात बोल नहीं पा रहे। हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम तो होते हैं, अब इस इंसान के लाइफ में क्या प्रॉब्लम है आप नहीं जानते हो, कौन किस मुश्किल से गुजर रहा है आप इस बात को नहीं जानते हो। तो आपको समझना चाहिए हालात को, हर वक्त इंसान गलत नहीं होता है, कभी कभी हालात भी बुरे होते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इंसान वापस नहीं आएंगे, तो वो सोच रहे हैं आपकी तरफ वापस आने के लिए। बार बार यहाँ पर बहुत इमोशंस हैं, वाटर साइन हो सकते हैं आप, हो सकते हो आपके पर्सन हो सकते हैं, या ऐसी किसी जगह पर वो रहते हैं जहाँ पर कोई नदी हो, कोई समंदर हो, या इनके घर के आसपास कोई कुआं कोई तालाब हो सकता है, किसी किसी इनके घर में कोई फिश टैंक भी हो सकता है, किसी क्रिएटिव फील्ड में भी हो सकते हैं। किसी किसी के लिए हो सकता है कि इंसान दो दो पत्थर पर पाव देने की कोशिश कर रहा था, किसी किसी के लिए हो सकता है कि इस इंसान ने आपको अपने परिवार के बारे में कुछ बताया नहीं है कि उनका परिवार क्या चाहता है इस रिश्ते को लेकर। हो सकता है खुद तो अपने परिवार से बात कर ले, लेकिन आपके साथ वो बात नहीं बोले कि उनका परिवार क्या चाहता है, और अगर घर वालों ने इनकार कर दिया तो ये बात वो आपसे छुपा रहे हैं, और मन ही मन बहुत दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि वो कैसे आपसे बोले ये बात। ऐसा भी हो सकता है किसी किसी पर कि बहुत दुखी है, परेशान है, और ऐसा नहीं कि वो हर बात आपसे छुपाना चाहते हैं, लेकिन वो आपको दुखी नहीं करना चाहते हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर वो ऐसी कुछ बातें आपसे बोलेंगे कि परिवार इनकार कर रहा है, तो आप खुद दुखी हो जाओगे, और ये इंसान नहीं चाहता कि आप दुखी हो। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं कि वो ऐसे कुछ बातें आपसे हाइड कर रहे हैं जिसकी वजह से आप दुखी हो सकते हो, उनको आपकी फिक्र है, और आपको ऐसा लगता है कि इंसान बात नहीं करता या बातें छुपाता है। वो बातें इसलिए छुपा रहे हैं आपसे क्योंकि वो आपको दुख नहीं देना चाहते। इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि इतने ज़्यादा जो गलत फहमियाँ हुई है आप दोनों के बीच में, अगर ऐसा भी कुछ है तो अभी भी वक्त है, अभी भी आपको सोचना चाहिए, अभी भी वक्त है संभालना चाहिए, और ज़्यादा देर अगर हो गई तो फिर पछताना पड़ेगा। ऐसे भी लोग हैं कि ज़िद्दी बहुत बन रहे हो, सुन नहीं रहे हो कुछ भी बात, या ये वाइस वर्सा हो सकता है कि इंसान बहुत ज़िद्दी बन रहे हैं, आप कितना भी समझाने की कोशिश करते हो इंसान सुनता नहीं है आपकी बात, तो इस इंसान को पछताना पड़ सकता है। फिर ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है, आप दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं, कंप्लेशन यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है। नो डाउट बहुत मुश्किलें हैं, ऑब्स्टिकल्स भी है, और आप दोनों भी इस बात को जानते हो, फिर भी यहाँ पर कंप्लेशन आता हुआ नजर आ रहा है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है, लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।